हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। और आज हम करने वाले अपने एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। दैट मींस अगर हम बात करें AC और BD दो डायगोनल्स की, तो वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं, राइट एंगल पर। दैट मींस यहाँ पर जितने भी एंगल्स बने होंगे वो सारे कैसे होंगे, 90 डिग्री के। और आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा आपका रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रिलेटरल को पहले प्रूफ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि इसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं वो रोम्बस होता है, तो ये आपको काम करना है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हमें क्या है, सभी साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेंगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, क्योंकि जितना भी काम है हमारा किसके साथ होता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रायंगल्स के साथ, इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल लेंगे आप, सबसे पहले ले ले AOB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में, AOB पहली ट्रायंगल और ट्रायंगल BOC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लिए हमने। तो इस ट्रायंगल में आप देखें, आप ऊपर भी देख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC, ये क्या है हमारे पास, गिवन है, बिकॉज डायगोनल्स ने एक दूसरे को क्या किया है, बाइसेक्ट। इसी तरीके से आपका एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ईच 90 डिग्री, ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री, यहां पर हमने शो करके दिखाया है। उसके बाद OB इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OB, AOB BOC, या फिर आप इसका नाम चेंज करके COB रख सकते हैं, ठीक है, COB, इससे क्या होगा, इसके कोरस्पोंडिंग जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे, बिकॉज OA के इक्वल कौन है, OC, OB के इक्वल कौन है, OB, ठीक है। इस तरीके से हमें कंटिन्यूटी भी बनानी होती है ट्रायंगल्स के नेम में। तो OA इज इक्वल टू OC गिवन, एंगल AOB एंड एंगल BOC दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, और OB साइड दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन। देखो पहला ट्रायंगल हमारा ये रहा और दूसरा ये, तो ये जो साइड है OB हमारी क्या है, इसमें कॉमन साइड है। तो यहाँ पर अब क्या है, पहले साइड फिर एंगल देन साइड, तो हमारे दोनों ही ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, नाम हमने वैसे चेंज कर दिया COB, प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी बाकी साइड भी इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं देयरफोर AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, और रीजन क्या दे देंगे, बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, तीन और बार कंडीशंस को ट्रू करके इक्वेशंस में आपको ये साइड्स इक्वल लेके आनी है, ठीक है। तो अभी तो हमने दो ट्रायंगल यूज किए थे, अब अगले दो ट्रायंगल यूज कर लीजिए, BOC और DOC, ठीक है। तो रख देते हैं यहां पर आल्सो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। देखिए कहीं बुक्स में या कहीं पर आपको सॉल्यूशन में मिल सकता है कि इतना करके और लिख दिया सिमिलरली दीज साइड्स आर इक्वल, बट सिमिलरली हमें एग्जाम में नहीं लिखना होता, हमें कंप्लीट सोल्व करके दिखाना है। अगर आप सिमिलरली करके दिखाओगे कि हाँ ये आपका कंप्लीट हो गया, तो उसके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम में या टेस्ट में लिखना है, ठीक है। अगर आप हाफ करोगे, सिमिलरली करके लिखोगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट जरूर होंगे, ठीक है। तो इसे अब कंप्लीट सोल्व कर रहा हूँ मैं।
तो इन ट्रेंगल बी ओ सी एंड ट्रेंगल डी ओ सी। तो यहाँ पर आपका साइड कौन कौन सी इक्वल है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये क्या है आपके पास गीवन है, ये है ना हमें गीवन में मिला है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, और दोनों कैसे एंगल हैं, ईच 90 डिग्री है ना, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये दोनों सेंटर पर एंगल बने हुए हैं और दोनों कैसे हैं 90 डिग्री हैं। इसी तरीके से आपकी ओ सी साइड जो है वो दोनों में क्या आ रही है, कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, यहाँ पर भी आपको रीजन लिखना है, यहाँ पर कॉमन साइड, तो रीजन तो आपको सभी लिखने ही पड़ेंगे, अगर आप रीजन छोड़ते हो तो उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब आपके क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, हर छोटे छोटे स्टेप्स के मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से और बारीकी से हर एक छोटी छोटी बातें समझाई जा सके। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन नॉलेज आपको पूरी मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें और अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी क्या लगाई हमने, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, और इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर दो साइड ली थी, यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, बी सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, और इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब सेम काम एक बार और करना है बस, उसके बाद आपकी चारों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो चलो कर देते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है सी ओ डी, एंड ट्रायंगल ए ओ डी, सी ओ डी एंड ए ओ डी, अगर हम बात करें सी ओ या फिर ओ सी कह लीजिए या सी ओ कहे, एक ही बात है। ठीक है, कन्फ्यूज ना हो, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके साथ साथ आपको एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री के गिवन है यहाँ पर। ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ओ डी, ओ डी, ओ डी क्या है, इन दोनों में कॉमन साइड है ना। अगर हम देखें, आपको भी दिखाते हैं डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम ही आपका दोस्त है यहाँ पर। देखिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूँ तो ओ डी लाइन क्या है हमारे लिए, कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, और प्रॉपर्टी क्या लगेगी, बाय साइड एंगल साइड। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि आर एच एस के लिए लग सकती है, राइट एंगल हाइपोटन्यूज और साइड, बिकॉज राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटन्यूज, वो तो आपको इक्वल प्रूफ नहीं हुई है ना, अभी आपको गिवन तो नहीं हुई। तो अगर आपकी जब हाइपोटन्यूज इक्वल है नहीं, तो आप राइट एंगल हाइपोटन्यूज और एनी अदर साइड की प्रॉपर्टी, आर एच एस की प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर आर एच एस लिख दिया तो आपके लग जाएगा राउंड सर्कल और मार्क हो जाएंगे डिडक्ट। तो आपको क्या लिखना है, साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से भी हम थर्ड कंडीशन निकाल लेंगे, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखिए ध्यान से, तीनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें, ए बी यहाँ पर किसके इक्वल है, बी सी, बी सी को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, सी डी के, दैट मीन्स तीनों साइड इक्वल हो गए, और सी डी को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ए डी, दैट मीन्स अब चारों साइड क्या हो चुके हैं आपकी, इक्वल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, अगर तीनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो आपके पास क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें जो चाहिए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब जो प्रूफ करना था वो कैसे करेंगे, बस दो लाइनें और आपको लिखनी है। क्या लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे एज क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी हैव पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। या थोड़ा सा इसको और ग्रामेटिकल अगर हम इंप्रूव करना चाहें, एज इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एज इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो या फिर दस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपके पास ये एक थ्योरम है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के पेयर, दैट मींस आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, अगर ये अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल हैं, दोनों पेयर इक्वल हैं, तो आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम। तो उस थ्योरम का यूज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर जो है साइड के इक्वल है, इसी वजह से ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। एंड आल्सो क्या है आपके पास, ये सभी क्या है, साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, रोम्बस। तो यहां लिख देंगे, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, मैंने बहुत स्लो करवाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आप पहले क्या करेंगे, तीन अलग अलग कंडीशंस में ट्रायंगल लेंगे, वहां से साइड्स को इक्वल निकालेंगे तीन इक्वेशन से, जब तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो चारों साइड्स इक्वल बन जाएंगे, चारों साइड इक्वल है मतलब कि अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, और उस वजह से क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके पास सभी साइड्स इक्वल हों वो क्या कहलाता है, रोम्बस, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कहा गया है कि एक स्क्वेयर है, ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि स्क्वेयर के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, स्क्वेयर के डायगनल्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन था वो तो यही है कि ए बी सी डी स्क्वेयर है और उसकी सभी साइडें इक्वल है, यही होता है स्क्वेयर की प्रॉपर्टी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहला मैंने इसको क्या किया, थोड़ा पार्ट्स में ब्रेक कर लिया ताकि समझने में आसानी हो जाए, करने में आसानी हो जाए। तो देखिए, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दैट मीन्स उसके डायगनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी मुझे प्रूफ करना है। दूसरा स्टेप्स क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, वो क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स अगर मैं सेंटर पे कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दूं तो ये सभी बातें क्या हो जाएंगी, प्रूफ। तो मैंने अपने क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसे जब सॉल्व करूँगा, जब मैं इसका प्रूफ करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, काम सब का सब मैंने आपको जैसे कि बताया, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस किससे होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से। तो सबसे पहले इसे देखिए, ए सी इज इक्वल टू बी डी, है ना, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये प्रूफ करना है। अगर आप एक चीज और अपने गिवन में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो सभी को पता है वो क्या है, सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ये हमें गिवन में मिला है। अब इन्हीं का यूज करते हुए सबसे पहले तो मैं प्रूफ करूंगा कि डायगनल्स क्या है, इक्वल हैं। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा दो ट्रायंगल जिसमें ये दोनों डायगनल्स आते हों, तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी ट्रायंगल लूंगा और बी ए डी ट्रायंगल लूंगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ओके फ्रेंड्स। तो क्योंकि ए बी
और ए डी है ना, ए बी और ए डी सभी आपस में इक्वल है, तो यहां लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। ओके फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है एंगल ए, ये वाला एंगल ए, क्योंकि एंगल अगर मैं बी ए डी बैड की बात करता हूं और एंगल ए बी सॉरी ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूं ट्रायंगल में, तो एंगल बी आ जाएगा। तो दैट मीन्स ए बी सी में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल बी। और ट्रायंगल बी ए डी में कौन सा आ रहा है? एंगल ए। सेंट्रल एंगल की बात करेंगे जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंगल बी और एंगल ए दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। और क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। इसके बाद आपको क्या चाहिए? एक साइड और चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी साइड, ए बी साइड दोनों में क्या है? कॉमन। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, कॉमन साइड। ओके फ्रेंड्स, बहुत आसानी से हमने क्या कर दिया, आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो यहां लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, और प्रॉपर्टी क्या लगाई? बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सभी साइड इक्वल होंगे, और कौन सी साइड हमें प्रूफ करनी थी? ए सी इज इक्वल टू बी डी, हैंस ए सी या फिर डज, ठीक है, डज ए, यहां पर कौन सा आएगा डायगोनल? ए सी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और प्रॉपर्टी क्या लगाओगे? बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल्स। ठीक है, आप इसको इक्वेशन जरूर दे दें, ठीक है, क्या पता बाद में जाकर यूज हो जाए। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, एक पार्ट मैंने कर दिया प्रूफ। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड पार्ट की, नाउ किसकी बात करेंगे सेकेंड पार्ट की? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आपको प्रूफ करना है, यानी कि बाइसेक्ट प्रूफ करने हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा यहां पर, क्योंकि ये क्या है आपका एक स्क्वायर है, और स्क्वायर एक तरीके से क्या होता है? पैरेललोग्राम है ना। तो एंगल ए या फिर एंगल मान लो मैंने यहां पे वन मान लिया, ठीक है, और ये मान लिया एंगल टू, ठीक है, और ये एंगल थ्री, और ये आपका एंगल नंबर फोर। ठीक है, एंगल नंबर वन और टू दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए इक्वल है। एंगल थ्री और फोर क्या है? दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वो भी क्या है? इक्वल। तो ये दोनों इक्वल है, और सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये पहले से गिवन है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो बाय सी बी सी टी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, तो अब इसको लिख देते हैं कि हम कैसे लिखने वाले हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस लाइन की वजह से हैं? पैरेलल लाइंस भी बतानी पड़ेंगी, तो हम यहां लिख देंगे सी डी पैरेलल टू ए बी, या फिर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पर रीजन भी लिख दिया। एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं आपके, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और उसके अलावा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में पहले से ही आपके पास गिवन है। अगर आप ऊपर से देखें तो दोनों साइड क्या है? इक्वल। तो आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो आप इसे लिख दें ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब अगर दोनों क्या हो चुके हैं? ये
इक्वल हो चुके हैं, है ना, इक्वल हो चुके हैं ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड। मैंने एंगल एंगल साइड से प्रॉपर्टी लिख दी उसके साथ, ठीक है, इक्वल नहीं सॉरी कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने होते हैं। अब यहां से मैं सीपीसीटी का यूज करके निकाल लूंगा। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाय सीपीसीटी और इक्वेशन नंबर टू और हैंस प्रूव्ड, ठीक है। दो पार्ट मैंने प्रूफ कर दिए, पहला पार्ट डायगोनल्स इक्वल हैं, दूसरा पार्ट डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर थर्ड अगेन या फिर आल्सो, आल्सो लिख देते हैं। अब मुझे करना है सेंट्रल एंगल को 90 डिग्री प्रूफ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लूंगा, एंगल जो ट्रायंगल ए ओ बी है और ट्रायंगल सी ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करने वाला हूं, देखो अब मैं लिख देता हूं पहले यहां पे, आल्सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, देखो ओ ए सॉरी ओ बी नहीं, क्या आएगा ओ सी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, है ना। अभी तो हमने टू में प्रूफ किया है, तो ओ ए ओ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू से प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ हो गया है तो हम दूसरा भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ना, दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगी, कॉमन साइड। और इसके साथ साथ ए बी और बी सी दोनों साइड्स क्या है, पहले से ही इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्या है ये क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी ट्रायंगल्स जो हैं वो हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी सी ओ बी, सी ओ बी, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाओगे, बाय साइड साइड साइड, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल ए ओ बी प्लस सॉरी प्लस नहीं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी बी ओ सी, ये दोनों एंगल क्या कर दिए मैंने, इक्वल प्रूफ कर दिए। इक्वल तो नहीं प्रूफ करने थे मुझे, तो 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो अब कर देते हैं। आल्सो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करता हूँ, ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, क्या है ये लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर एंगल बनते हैं। देखिए हमारी ए सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों एंगल इसके ऊपर क्या है, लीनियर पेयर, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से अभी देखो, ये आपने अभी अभी प्रूफ किया है कि ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ए ओ बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज रीजन तो देना ही पड़ेगा, पर बिकॉज ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्रूव्ड अबव, है ना, ऊपर ही तो प्रूफ किया है अभी थोड़ी देर पहले कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पे हमने कट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये भी हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ये आपने कर दिया क्वेश्चन खत्म। तो एक बार और छोटा सा रीकैप, पहले ट्रायंगल्स को आपने क्या किया, दो बड़े ट्रायंगल्स लिए, उन्हें कॉन्ग्रेंट किया और डायगोनल्स को इक्वल दिखाया। दूसरी बार आपने क्या किया, दो वर्टिकल अपोजिट एंगल लिए,
जो थोड़ा अपोजिट हैं आपके, ठीक है, वन और टू, और उसमें आपने एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगाई, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया और अपने डायगनल्स को बाइसेक्ट करता हुआ शो किया। और तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, दो ट्रायंगल्स लिए जो साथ में थे वन एंड टू, और उन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। पहले वहां से एंगल इक्वल आएगा, दूसरे स्टेप में आप उसे लीनियर पेयर के साथ 180 दिखाओगे और वहां से ट्वाइस होने की वजह से एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना हो कहीं सेंटर पर, तो ये स्टेप ही वहां पर फॉलो करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।